गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ऋषि। सो गाइज टुडेज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यामी गौतम इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो या ये लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप करवा चौथ के लिए ये लुक देख रहे हो तो बहुत ही बेस्ट वाला लुक है ये, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्टली मैंने अपनी स्किन कैसे स्टार्ट करा है, डर्मेडॉक का टोनर यूज़ करा है, मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज़ करा है, देन मैंने यहाँ पे इसमें स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ करा है बिकॉज थोड़ा सा ग्लोई मुझे थोड़ा सा उनका बेस लग रहा था, तो मैं इसे ग्लोई थोड़ा सा बना रही हूँ। यू कैन सी अच्छे से मैं अपने स्किन पे इसे मर्ज कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, तो इस तरह से ना बहुत विद इन काइंड ऑफ ग्लो आएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है। सो बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, यू कैन सी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फेस ग्लो कर रहा है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद आपको बहुत अच्छे से मतलब नहीं अपने मतलब फेस को ब्लर आउट करना है आपको, लाइक अपने पोर्स को तो बहुत नॉर्मल से लगाना है आपको, आइज़ के पास भी लगाना है अच्छे से बिकॉज आइज़ पे हमारी आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड होंगी। देन मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ करा है, अच्छे से उसे ब्लेंड करा है, लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ करा है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है आपको क्योंकि ब्लेंडिंग जितने अच्छे से करोगे उतना बेटर रहेगा। और ये जो फाउंडेशन है ये मैट वाला फाउंडेशन है, इसमें मैंने इसलिए इल्यूमिनेटर यूज़ करा बिकॉज ये बहुत अच्छे से विद इन काइंड ऑफ ग्लो देगा। देन इसके बाद अगेन मैंने टोनर यूज़ करा बिकॉज बहुत ज़्यादा मैटी मैटी सा हो रहा था, देन मैंने टोनर यूज़ करा है। देन अच्छे से मैंने यहाँ पे दोबारा इसे ब्लेंड करा है, थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट से सेट करा है नॉर्मल अपने बेस को, बहुत ही नॉर्मल सा सेट करा है, ज़्यादा सेट नहीं करना है आपको, बस नॉर्मल सेट करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बेकिंग करनी पड़ेगी तो आप बेकिंग कर सकते हो। तो अच्छे से नेक के पास भी मैंने इसे अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद अगेन टोनर, बिकॉज अब क्या होगा ना जब मैंने टोनर अप्लाई करा जितना भी लाइक हमारा पाउडरनेस क्रीमनेस होगा ब्लेंड आउट हो जाएगा। देन मैंने हिलारी रोडा का यहाँ पे आईब्रो फिलर यूज़ करा है और अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। वेट इन वाइल्ड का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें से मैं यहाँ पे बनाना शेड पिक कर रही हूँ और आईज़ के पास इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, यू कैन सी। देन यहाँ पे से मैंने ऑरेंज कलर पिक करा है अपनी क्रीज लाइन के लिए, तो यू कैन सी इस तरह से मैं डेप्थ दे रही हूँ यहाँ पे। और बहुत ही सिंपल मेकअप है आई, बहुत सिंपल मेकअप है आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। जस्ट मैंने इस तरह से पूरे आई पे अप्लाई कर दिया है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे से मैंने दो कलर पिक करे हैं, ऑरेंज और पर्पल, देन अगेन उसको लोअर लैश लाइन पे पिक कर दिया है, सॉरी अप्लाई कर दिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे NYBA का लाइनर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा फ्लिक आउट कर रही हूँ विंग की तरह से, यू कैन सी बहुत कम सा फ्लिक आउट करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे विंग अप्लाई करा है, अपनी आईलैशेस को कर्ल करा है, तो आप कर्ल करके मस्कारा अप्लाई करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन मैंने यहाँ पे लॉरियल का काजल यूज़ करा है, आप अगर ये ज़्यादा इंटेंस नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पे पर्पल का मैंने जेल आईलाइनर यूज़ करा है, मैंने पहले इसे अप्लाई करा है, देन इसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल का यूज़ करूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाइड था उनका आई जो था ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ब्लैक था, तो मैंने अगेन इसको इस तरह से अप्लाई करा है। यू कैन सी बहुत अच्छा पिगमेंटेड है क्योंकि ये जेल आईलाइनर है या। देन इसके बाद मैं यहाँ पे फॉक्युलर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और अपने लोअर लैश लाइन को स्मज आउट कर रही हूँ अच्छे से, यू कैन सी इस तरह से स्मज आउट करा है मैंने। देन मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का, अच्छे से मैंने मस्कारा अप्लाई करा है और अच्छे से कोट अप्लाई करनी है आपको, इससे क्या होगा जो आपकी जो मतलब मैं यहाँ पे लैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ ठीक है, तो हमको मस्कारा बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आपको लैशेस अब नहीं अप्लाई करने आती या फिर आप लैशेस में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मस्कारा ऐसा लो जो आपको बहुत अच्छा मतलब फुलर लुक दे। देन मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ पे स्टिक यूज़ कर रही हूँ, स्टिक और की और इस तरह से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने फेस को, अच्छा सा चिजल सा लुक आ जाएगा इससे हमारे, क्योंकि अभी क्या है ना पूरा फेस वाइटिश हो गया है तो हमें थोड़ा सा चिजल कट चाहिए हमारे फेस पे। तो इस तरह से फॉरहेड पे नोज़ पे मैंने अप्लाई करा है, देन एक ब्रश की हेल्प से इसको स्टैम्प आउट करके वहीं पर ही प्लेस करा, इसको मेरे को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, वहीं पे स्टैम्प आउट करके बस थोड़ा थोड़ा मुझे उसे करना है। देन इसके बाद अगेन एक अलग ब्रश से मुझे इसे अच्छे से करना है, बट हाँ नोज़ के पास इस तरह से ब्रश से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। देन मैं थोड़ा सा कबूकी ब्रश लूँगी और इस तरह से अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी बिकॉज ये अच्छे से मर्ज हो जाना चाहिए स्किन पे, तो यू कैन सी मैंने अच्छे से इसे अप्लाई कर दिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे पाउडर कंटूर ले रही हूँ, देन इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टे कोर्की का ब्लश लिया है, ब्लश मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा सा ब्लश है ये, सो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। सो या मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हाइलाइटर, तो हाईलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया था, सो
सो या जो भी हमारे हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं उस पर मैंने हाईलाइटर अप्लाई करा है, देन अगेन मैंने टोनर अप्लाई करा है। मैं टोनर में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप इसके अलावा लाइक मेकअप सेटिंग स्प्रे भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो या और देन अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है। ये मैंने लिप कलर यूज़ करा है, जो भी उनका लाइक ये लाइक टमाटो काइंड ऑफ कलर होता है ना, उस तरह का कलर है ये, टमाटरी कलर जो होता है उस तरह का कलर है ये। तो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई करा है। देन मैंने ये साड़ी वेयर करी है सिमिलर करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे मेहनत करी है इस लुक पे। सो यू कैन सी हेयर में कुछ खास नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे मिडिल पार्टीशन करूँगी। सो आप देख सकते हो मिडिल पार्टीशन करने के बाद थोड़ा सा आपको इस तरह से पार्टीशन करना है, देन नॉर्मली छोड़ देना, मतलब मैंने इसमें छोड़ दिया था। देन मैंने ज्वेलरी वेयर करी है, तो इस तरह की ज्वेलरी है जो मैंने वेयर करी है इस लुक को सिमिलर करने के लिए। सो या देन इसके बाद मैं यहाँ पे बिंदी यूज़ कर रही हूँ, सो ये वाली बिंदी यूज़ कर, ये बहुत ज़रा गुड जाएगा अगर आप करवा चौथ पे इस तरह का लुक करोगे, बहुत ही मतलब कन्वीनियंट और बहुत ज़रा मेहनत नहीं है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़रा अच्छा लगता है ये लुक। तो या इस तरह से है, तो जस्ट लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कलर यूज़ करा है, नॉट प्रॉपर सिंदूर, बट हाँ मैंने कलर यूज़ करा है, यू कैन सी। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे अपने हेयर को कंप्लीट करूँगी, यू कैन सी ये मेरा लुक है। अब हेयर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो जस्ट मैंने यहाँ पे अपने हेयर को इस तरह से लेकर दोनों पार्टीशन को, और वहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लिप से सिक्योर कर दिया है। देन हेयर लेकर वहीं पे छोटा सा बर्न बना दिया है। आप अगर इसमें बर्न नॉर्मल जो बर्न आता है रेडीमेड वो लगा सकते हो, गजरा लगा सकते हो, तो टोटली अप टू यू। तो इस तरह से मैंने जस्ट अप्लाई करके सिक्योर कर दिया है। सो या और मैंने यहाँ पे बैंगल्स वेयर करे हैं, आप अपने हिसाब से जैसा भी वेयर करें, बिकॉज़ ये लुक बहुत ज़रा गुड जाएगा अगर आप करवा चौथ पे इसे करोगे। आप देख सकते हो कितना कम एफर्ट्स में बहुत ही प्यारा लुक है ये, यू कैन सी। सो हेयर्ज़ माई फाइनल आउटकम। होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या गाइज मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय, टेक केयर।